बोले धरती माता की जय, भारत माता की जय, भद्रकाली माता की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। क्या मांगे? आप लोगों ने सुना होगा कि कभी मांगना नहीं चाहिए किसी से कुछ। सब लोग, हम भी कहते हैं ना आपसे कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांगनी चाहिए। जैसे हमको सबसे पहले क्या मांगना है? ज्ञान, विद्या। जब हम आश्रम आते हैं तो बाबा जी हमको पढ़ाइए, अपन परेशान करें बाबा जी को, बाबा जी हमको पढ़ाइए। अलग अलग विषय का हम जानकारी के लिए बाबा जी से बात करें कि बाबा जी हमको दीजिए दीजिए दीजिए। जब आप मांगोगे, ठीक है, क्योंकि अधिकारी ही मांग सकता है, जो अधिकारी होगा वही मांग सकता है, और जो उस लायक होगा उसको मिल जाएगा, और जो उस लायक नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। और क्या मांगना चाहिए? यदि भूख लगी है तो भोजन मांग लीजिए, चोरी मत करिए। प्यास लगी है तो पानी मांग लीजिए, चोरी मत करिए। फल खाना है तो चोरी मत करिए, मांग लीजिए। और जहाँ तक हो सके स्वाभिमान को जीवित रखिए। अगर बिना मांगे काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही, कोई विषय, और अब आप सोचो कि हम स्वाभिमानी बने रहें, सवाल नहीं बन रहा आपसे, और आप कहोगे कि हमसे जो है सवाल नहीं बन रहा, लेकिन हम पूछेंगे नहीं किसी से, सवाल नहीं बनेगा और आप किसी से पूछोगे नहीं तो क्या ये ठीक है? उस समय आपको सवाल पूछना चाहिए। आपके कपड़े फट गए हैं, है ना, सुई धागा चाहिए, मांग सकते हो बाबा जी सुई धागा दीजिए। आपके पास साबुन निरमा नहीं है तो बाबा जी साबुन निरमा दे दीजिए, हमारे पास नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, ठीक है। तो और उससे भी पहले हमको ये करना चाहिए कि हम अपना स्वाभिमान जीवित रखते हुए जो भी मांगे, ज्ञान अर्जन की चीज़ मांगे, बुद्धि बढ़ाने की चीज़ मांगे, ठीक है। इसलिए बोले धरती माता की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय।